आप सबको कुल मित्रा चैनल के बारे में तो पता होगा। इस चैनल के ओनर मोहम्मद शकील, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है टालने का कीड़ा। इस बुक के शुरुआत में ही वो कहते हैं रिस्टार्ट योर लाइफ। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी तक आपने अपने लाइफ में जो भी किया है, ठीक है, आप हारे हो या जीते हो, कुछ पाया है कुछ खोया है, आप अनसक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल हो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें रुकना नहीं है, फिर से शुरुआत करते। वो आगे कहते हैं, या तो केवल ज्ञान ही ले लो या उसे लगाकर शुरुआत कर लो। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे पहुंचाने में हेल्प करेगा और मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा ताकि ऐसी ही वीडियोस में आने वाले समय में अपलोड कर सकूं। तो फिर से देखते हैं कि ऑथर ने क्या कहा था। या तो केवल ज्ञान ही ले लो या उसे लगाकर शुरुआत कर लो। मतलब आपको इसे इस तरह समझना है, या तो ये वीडियो देख लो, सुन लो और भूल जाओ, या इस वीडियो में बताई गई बातें सुनो, समझो और अपने लाइफ में अप्लाई करो। चॉइस आपकी है। या तो ये वीडियो यही बंद कर दो या एंड तक मेरे साथ ये वीडियो देखो, समझो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो चलिए देखते हैं ऑथर का क्या कहना है उनके ही शब्दों में। इस पूरी बुक में मैं ही आपसे बात करने वाला हूँ। अभी जो बुक आप पढ़ने वाले हो, उस पूरी बुक में मैंने जो बता रखा है उसे सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़े। जिस लेवल की मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने इस बुक में दी है, वो पढ़ने के बाद आप कुछ और ही होंगे। मैं खुद एक बुक रीडर हूँ। मैंने अभी तक जितनी बुक्स पढ़ी, मुझे 90% बुक्स में प्रैक्टिकल बातें या फिर काम की बातें नहीं मिलती। एक होता है कि पढ़ते वक्त सिर्फ मजा आना कि ऐसा हो सकता है, और एक होता है पढ़ने के बाद वाकई में उससे जिंदगी में बदलाव आना। वो मुझे बहुत ही कम बुक्स में मिलता है। मेरी आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है, अपना पूरा ध्यान लगाकर इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुने। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपको जो वक्त लगेगा, आपके जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। क्या आपको पता है आपके पास असल में कितना समय है? कितना समय आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको पता भी नहीं है? जोश में आकर बहुत कुछ सोच लेते हैं मगर कर कुछ नहीं पाते। कभी आलस कारण बन जाता है, कभी डर, कभी बहुत सोचते रह जाना, कभी टालने की आदत कि यार मैं इसे करूँगा तो सही तरीके से ही करूँगा, इसे मैं करूँगा तो परफेक्टली ही करूँगा, और वो परफेक्ट कभी आता ही नहीं और टलता जाता है। कभी ये भी इश्यू होता है कि 365 दिनों में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती, और सबसे बड़ा कारण है हमने कभी 365 दिनों में जितने घंटे होते हैं उसमें कभी एक एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया। तो चलो आज आपकी बॉडी को, माइंड को, एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर साल कितने घंटे ऐसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्या आपको पता है आपके पास एक्चुअल में कितना समय है? जब आप अपने आप से ये सवाल करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम यू हैव। एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हो, यानी 8 घंटे 30 दिनों के, मतलब 240 घंटे केवल सोते हो, अब आपके पास बचे 480 घंटे, मतलब 720 माइनस 240 आपको मिलेंगे 480 घंटे। और अगर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो तो 40 इंटू 4 यानी
160 घंटे महीने में काम करते हो, जो एक दिन के 5 से 6 घंटे होते हैं। नींद और काम के बाद आपके पास बचते हैं 320 घंटे। एक दिन में 2 घंटे खाना पीना नहाना ये सब मिला के तो महीने के होते हैं 30x2 मतलब 60 घंटे। अब आपके पास 260 घंटे बचते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि महीने के ये जो 260 घंटे बच रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? गोल सेट करोगे लेकिन साल के एंड तक वो पूरा हो नहीं पाएगा। 2017, 18, 19 और अब मैं 2020 में बुक लिख रहा हूँ, तो 2020 भी आधा बीत गया, 2021 भी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस बार भी आप अपने गोल सेट करोगे कुछ आदतें छोड़ने की, कुछ आदतें सीखने की, कुछ कमाने की, खुशी की, कामयाबी की। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साल के स्टार्ट होने के बाद में जनवरी भी निकल जाता है और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो एक ही महीना निकला है, मेरे पास तो 11 मंथ्स है। ऐसे करते हुए फरवरी भी निकल जाता है, फिर से खुद को मोटिवेट करते हैं और मेरे पास तो अभी 10 और मंथ्स है। ऐसे करते हुए साल कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। कोई ड्रीम है तो केवल सोचा हुआ है, कोई आइडिया है तो केवल सोचा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है और सबसे बड़ी बात समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरू के स्टेप्स क्या लें। और ऐसे करते हुए साल के मई जून मंथ तक पहुँच जाता है और आधा साल चला जाता है, फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है और खुद से कहते हो, ओ यार अभी तो 2019 स्टार्ट हुआ था और आधा साल खत्म भी हो गया। फिर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, जितने हो सके उतने एक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, पर इतने धीरे रिजल्ट मिलते हैं कि उससे डिमोटिवेट होकर आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। ये हर साल की कहानी है। वैल्यू ऑफ 260 एक्स्ट्रा आवर्स यू हैव इन अ मंथ, तो जो कैलकुलेशंस की उससे पता चलता है कि 260 घंटे एक महीने के निकलते हैं जिसमें आप और कुछ नहीं करते हो। अब उस पर बात करते हैं। अगर आप इन 260 घंटों में केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप एक महीने में 45 ऑडियो बुक सुन सकते हो। अगर ये एवरेज लेकर चले कि आपको एक ऑडियो बुक सुनने के लिए 6 घंटे लगेंगे, और ये तो केवल मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, साल का होगा 260 × 12 महीने यानी 3120 घंटे। आपको आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए 3120 घंटे मिले हैं, जिन घंटों में बहुत कम लोग कॉन्शियस होते हैं, बहुत कम लोगों को हिसाब है कि मेरा वक्त कहाँ जा रहा है। 3120 घंटे ऑडियो बुक सुनो तो 520 ऑडियो बुक सुन सकते हैं अगर 6 घंटे में एक ऑडियो बुक सुनोगे। अब ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ऑब्वियसली केवल ऑडियो बुक से ही लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शंस भी लेने होते हैं, रीडिंग भी करोगे, क्लासेस भी लोगे किसी चीज़ की, मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ भी ट्राई करने की कोशिश करोगे, किसी सोशल साइट पर पैसे कमाने के तरीके भी ट्राई करते रहोगे, बहुत तरीकों से टाइम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ बुक, मैं बुक का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सारे लोग आज भी इतने सक्सेसफुल बनने के बाद भी बुक्स ही पढ़ते हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को ही देते हैं। इस पृथ्वी पर 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देखकर आप बुक्स पढ़ने के लिए जरूर इंस्पायर होंगे। जेके रोलिंग बिलियनियर बनी है बुक्स लिखकर, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। बिलियनियर बन जाना यानी इस पर्सन के पास 7000 करोड़ रुपए है। जेफ बिजोस ने बुक्स बेचकर ही अमेज़न की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, और आज भी अमेज़न पर बुक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। अमेज़न ने किंडल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑनलाइन ई बुक्स होती है, ऑडियबल स्टार्ट कर दिया है जिसमें ऑडियो में बुक्स होती है, किंडल डिवाइस बना दिए जो टैबलेट्स होते हैं जिसमें बुक्स पढ़ सकते हैं, और गुड रीडर्स भी खरीद लिया है जिसमें बुक्स के रिव्यूज होते हैं।
फिर आते हैं वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े शेयर मार्केट के जादूगर हैं। वॉरेन बफेट अपने बिलियनियर बनने का राज फाइनेंशियल बुक्स रीड करना बताते हैं। बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जिसका सॉल्यूशन बुक्स में ना हो। दुनिया में न जाने कितने सालों से लोग बुक्स लिखते आ रहे हैं। सालों पुरानी से लेकर अब तक की हर तरह की बुक और हर तरह के ऑथर्स ने अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सॉल्यूशंस दिए हैं। यह किसी मैजिक से कम नहीं है कि आपको वो चीजें पहले ही पता चल रही है कि आपके साथ में क्या हो सकता है। अगर आप यह एक्शंस ले रहे हो तो क्योंकि वो चीजें किसी और ने कर दी है, वो आपको बता रहा है। और हमें खुद गलतियां करने के बजाय दूसरों की गलतियों से इसलिए सीखना है क्योंकि हमें लाइफ का बहुत टाइम सेव करना है। इंसान की उम्र ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। हमारे पास बहुत कम वक्त है सक्सेस होने के लिए और सपनों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से ओवर सोशल मीडिया से हेल्थ की 12 बज रही है, हमें जरूरत है हर एक एंगल से खुद को सेफ रखना है। डोंट वरी, अभी आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जिससे केवल आपकी लाइफ नहीं बदलेगी बल्कि आपको देखकर लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा।